जितने भी किसानों पर कर्जा में बिजली का है वो उसी हिसाब से अपनी पर्ची दे देगा भाई, बिजली विभाग शासन के द्वारा अपना पेमेंट करा ले। कोई जवाब एडीएम साहब की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, न एसटी की तरफ से कोई नहीं जवाब है। फिर छापेमारी की बात आई, हमने कहा भाई छापेमारी खुले में क्यों कही जा रही भाई, जी सर्वे करके रबड़िंग तार की बात आई और रबड़िंग तार कर लो और जो उसमें कटिया कोई कनेक्शन पा जा तो उसका जिम्मेदार वो उपभोक्ता होगा, हम नहीं कहने के इसके बारे में, वो खुद भुगतेगा उसे। पर रबड़िंग तार होनी जरूरी है, खुले में जो तार फटे कटिया कनेक्शन बता दें कुछ बता दें, 50-50 मारे चार के हमारे क्या 40-15 रुपए दे दें, ये डर की बात आ रही सामने। उनके पास में कोई जवाब नहीं था, अधिकारी ने कहा बाबा जी ये बात हकीकत भाई, हम तो ये कहें कि इस किसान को बर्बाद ना करा जा, इस किसान को किसान ही रहने दो, इसे दूसरा रवैया अपना तो मजबूर ना करो। हम तो शासन प्रशासन से भी यही बात कहें, हक इनका हक ना दो, हक नहीं दोगे तो कुछ कामयाबी नहीं मिलने की। किसान की दुआई तो दे रहे पर दुआई का काम नहीं कर रहे, दोहरी नीति अपना रहे, हम इससे सहमत नहीं भाई। एसडीएम साहब से अनुरोध है कि वे किसानों के बीच में आवे और जो भी समस्या का समाधान था जहां तक उन्होंने किया और जो बाकी है वो आकर किसानों को अवगत करावे और अगले रणनीति पर विचार करें। धन्यवाद, जय हिंद।